जल्दी क्यों? उनके साथ ही Hands up! किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। साफ साफ बताओ चोरी का माल कहाँ है? चोरी? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की। हम लोग तो बहुत शरीफ। खबरदार, कोई कुछ बोलेगा नहीं। सर बोलने दीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई, हम लोग बहुत शरीफ आदमी है। देखिए मैं एक क्या है, ठंड लग रही थी ना इसलिए लगाया था। मैं एक शिक्षक हूँ। ये काड़ा ना हो। ये डॉक्टर हंसराज हाथी है। ये हमारे बड़े मैकेनिक साहब है, गैराज के मालिक है सोडी साहब। ये पोपटलाल पत्रकार है, वरिष्ठ युवा पत्रकार। फर्क पड़ते कहने। ये हमारे साइंटिस्ट साहब है अय्यर जी। और मैं एक व्यापारी हूँ। ये जेठालाल गड़ा इनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। और ये हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है। मैं लेखक हूँ। हम सब शरीफ है, बहुत शरीफ है। शरीफ लोग आधी रात को दीवार कूद कर किसी के घर में नहीं जाते। अरे ऐसा काम सिर्फ चोर करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोरी करने नहीं, नींबू लेने गए थे। दिखाना नींबू। हाँ, ये देखिए अभी मैंने रखे हाथ में। ये देखिए, ये हम लोग टोटल 8 नींबू लेके आए। और है इसमें 8 ही नींबू लिए हमने, ज्यादा भी नहीं लिए। आधी रात को दीवार फांद कर नींबू लेने गए थे। कहानियां बनाते हो। कोई कहानी नहीं बना रहे सर। और हमने ये नींबू चुराए भी नहीं है। हमने उस 8 नींबू की कीमत वहाँ पे रखी है 30 रुपए। एक चिट्ठी लिखी वहाँ पे सक्सेना साहब के नाम की, हम बिना अनुमति के ले जा रहे हैं इसलिए पैसे रख रहे हैं। पेड़ के नीचे चिट्ठी रख के आए पैसों के साथ। इतना शरीफ लोग हैं हम लोग। फिर एक और नई कहानी। बंद करो ऐसा बकवास, चलो। अरे गाड़ी मिठाओ सबको। सर ऐसे मत बोलिए, हम सब बेकसूर है। और मैं तो अंदर भी नहीं गया था। देखिए हम बाकी के सब अंदर गए थे लेकिन हमने चोरी नहीं की है, हम नींबू लेने गए थे सोडा पीने के लिए। आधी रात को कोई नींबू लेने निकलता है क्या? चलो पुलिस स्टेशन, मैं वहाँ तुम्हें नींबू पानी पिलाता हूँ। चलो बहुत बकवास कर रहे हो। चलो, मैंने पहले ही बोला था कि अंदर नहीं जाते, अंदर जाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन बगैर नींबू के सोडा पीता तो क्या फर्क पड़ता? अब भाई, यहाँ आने का निर्णय तो हम सबने मिलके लिया था ना। सबसे पहले सूरी ने बोला, और मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था। सबको जबरदस्ती उठा उठा के यहाँ मैं थोड़ी ना लाया था। लेकिन उठा उठा के कुदवाया तो था ना, पर मुझे उठा के नींबू तोड़वा दिया। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अंजलि कह रही थी घर रुक जाओ, घर ही रुक जाता तो अच्छा रहता। क्यों आया मैं अब्दुल शॉप पे? आपस में खुसुर फुसुर नहीं, फोन ले लो सबके। फोन नहीं, फोन क्यों? बाकी के गैंग वालों को इतला करनी है। नहीं सर, गैंग वालों को नहीं, घर वालों को। एक बार घर वालों से बात करेंगे। घर वाली से मतलब? मेरे बापू जी है घर पे, उनको बोलना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, बहुत हो गई बहानेबाजी। चलो सबके फोन ले लो, वैन में बिठाओ। चलो जेठालाल, एक बार अंजलि से बात हो जाती, बहुत टेंशन कर रही होगी। मुझे तो बापूजी का टेंशन हो रहा है। मुझे पक्का यकीन, अभी तक वो टेंशन के मारे सोए नहीं होंगे और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया होगा। अभी तक आया क्यों? रात को देर से आएगा, फिर सुबह देर से उठेगा।
फोन भी बंद आ रहा है। पक्का मैं तो उसके घर पे बैठ के गप्पे लड़ा रहा होगा। इतना बड़ा हो गया टाइम की कोई कदर ही नहीं। अभी खबर लेता हूँ। इतनी देर लगा दी शायद आ गए वो। अरे चाचा जी आप आइए आइए। नहीं नहीं बेटा मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि जेठिया आया है या नहीं। जेठा भाई नहीं है। कमाल है यहाँ पर भी नहीं आया है अभी तो घर पर भी नहीं आया तो क्या अभी तक सोडा शॉप पे। चाचा जी वो लोग सैर करने गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तारक को फोन किया था ना तब उन्होंने बताया था। सैर करने गए इस वक्त? हाँ। फोन लगा अभी क्या अभी मैं तो उसको फोन लगा। हाँ हाँ एक मिनट ना। तारक का फोन तो बंद आ रहा है। जेठा का भी फोन बंद आ रहा था। चाचा जी मैं माधवी भाभी को फोन करती हूँ। भिड़े भाई तो अब तक घर पहुँच ही गए होंगे। हाँ। हेलो हेलो माधवी भाभी भिड़े भाई घर पे आ गए क्या? नहीं ना अंजलि भाभी ये भी घर पे नहीं है सोड़ी भाई भी नहीं है और उन दोनों के फोन भी नहीं लग रहे हैं। क्या अभी मैंने बबीता जी और कोमल भाभी को फोन करके पूछा ना तो वो बोल रहे हैं कि किसी के फोन नहीं लग रहे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा अंजलि भाभी आप सोसाइटी कंपाउंड में मिलिए ना बबीता जी रोशन भाभी और कोमल भाभी हम सब मिलके सोडा शॉप पे देखने जा रहे हैं तो आप भी चलिए साथ में। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? माधवी भाभी कह रहे कि भिड़े भाई घर नहीं पहुंचे और उनका भी फोन बंद आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सबके फोन बंद आ रहे हैं इसीलिए माधवी भाभी बबीता जी रोशन भाभी कोमल भाभी वो सब सोडा शॉप तक देखने जा रहे हैं। अच्छा चलो हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ एक मिनट सर आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात मानिए कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको गलतफहमी हुई है प्लीज मानिए। साफ साफ बताओ कि चोरी का माल कहाँ है। चोरी का माल कहाँ? आओ इंस्पेक्टर साहब हमने वहाँ से सिर्फ नींबू लिए हैं। खबरदार अटक मत करो सर मुझे तो लगता है इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। मरम्मत? आओ आए हम लोग चोरू चक्के थोड़ी हम लोग शरीफ लोग हैं इंस्पेक्टर साहब बोल दो ना शिक्षक साइंटिस्ट मैकेनिक। भाव सुन ली तुम्हारी कहानी अब एक कहानी कल सुबह कोर्ट में सुनाना। चलो इसको अंदर डालो लॉकअप में। अरे एक मिनट ये चल क्या रहा है भाई? बहुत हो गया भाई। इंस्पेक्टर साहब मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ मैं भी कानून जानता हूँ आप हमें बिना अपराध के लॉकअप में नहीं डाल सकते। नहीं नहीं पोपटलाल भारतीय कानून में ऐसी धारा है कि पुलिस अपना निर्णय ले केस व विवेक के आधार पर हमें हवालात में डाल सकती है। ओह लगता है यही गैंग का लीडर है। बहुत कानून की जानकारी है लगता है बहुत बार अंदर गया है। अरे नहीं 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 सर क्या कैसी बात कर रहे हैं मैं कौन सी गैंग का गैंग का लीडर और क्या अंदर गया मैं तो एक लेखक हूँ और लेखक होने के नाते लिखता पढ़ता हूँ इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ जानकारी है मुझे। देखिए देखिए मेहता साहब धारा होगी लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब कोई तो सबूत होना चाहिए ना बिना सबूत के आप हमें हवालात में कैसे डाल सकते हैं। नहीं नहीं पोपटलाल सबूत तो पुलिस को कोर्ट में पेश करना है ना हमें थोड़ी सबूत देंगे ये लोग। अरे आप किसके साथ है मेहता साहब? एक काम करो इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले इनको अंदर डालो। अरे क्या कर रहे हो जेठाल मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। यार हमारी जान निकली जा रही है अब जानकारी पे जानकारी दिया जा रहा है। सॉरी तो इंस्पेक्टर साहब आप चालू जी इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को जानते हैं? अरे जेठालाल अब ये जानकारी भी देनी पड़ेगी क्या जानते ही होंगे ना ये तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमें भी जानते हैं। जानते हमें जानते हैं तो आप उनको बुला लीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर पांडे पूरी रात गश्त पर है आज नहीं आएंगे। गश्त पे उनको जुलाब हो गया? जेठालाल गश्त नहीं गश्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं तो उनका फोन तो चालू होगा ना आप फोन करके उनको यहाँ बुला लीजिए ना प्लीज। फोन कर लीजिए प्लीज कीजिए ना। हाँ क्यों नहीं अभी पांडे जी को फोन करता हूँ चलो अंदर। Come on.
आप यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वरना गोकुलधाम में तो हंगामा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सैर पे जा रहे हैं। अच्छा तो कौन कौन सैर करने जा रहे, कुछ बोला? नहीं वैसे मैंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। तो सैर करने गए तो बेटा साथ ही गए उसे। हाँ वो भी है। अच्छा कहाँ गए हैं कुछ बताया है? हाँ नहीं शायद अब्दुल को पता होगा, चलो उसको जाकर पूछते हैं। चलो आज लोग ठीक है। अरे बहुत देर हो गई, अब तक आए क्यों नहीं? क्या करूं? अरे चाचा जी और सारी बहन यहाँ क्यों आ रही है? ये जेठिया मैं तो सब लोग कहाँ गए? वो अरे क्या वो सीधा सीधा बता कहाँ गए? अरे क्या नहीं बोल ना। नींबू लेने के लिए गए। नींबू? हाँ नींबू। अगर भाई नींबू पिछली रात को नींबू लेने गए। हाँ अभी उन लोगों को नींबू वाला ही सोडा पीना था, मेरे पास नींबू खत्म हो चुके थे। वो एसपी रोड है ना, वहाँ एक सब्जी वाला है, मैंने कहा कि वहाँ पर नींबू मिल जाएगा तो वो लोग नींबू लेने के लिए चले गए। कल्याण इतनी रात को सब्जी वाले के पास जाके नींबू लेने की क्या जरूरत है? ये नींबू सब बहाना है, ये लोग सैर करने और मटर गश्ती करने गए। आई होप ये लोग पार्टी शार्टी करवाने गए हो। समय की कोई कदर ही नहीं है, परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है, और ऊपर से सब लोग के फोन भी बंद आ रहे हैं। अब्दुल वो सब्जी वाला कहाँ खड़ा रहता है हमें दिखा, वहाँ जाके देखते हैं। नहीं नहीं चाचा जी इस वक्त वो लोग वहाँ पर नहीं है। उधर नहीं तो किधर है? अरे तूने अभी बोला ना वो नींबू लेने गए। नहीं नहीं उनको वहाँ पर नींबू मिले नहीं इसलिए वो लोग स्वीट होम गए। अपना खुद का स्वीट होम छोड़ के और किसके स्वीट होम में गए है? नहीं नहीं वो एसपी रोड से थोड़ा आगे जाएंगे ना तो वहाँ एक बंगला है उसका नाम स्वीट होम है, वो लोग वहाँ पर गए। लेकिन अब्दुल भाई वो लोग वहाँ क्यों गए हैं? नींबू लेने। खुद के घर से नींबू लेने के बजाय किसी और के घर में नींबू लेने गए? क्या है कोमल भाभी वो बंगला बंद है, बंगले का जो मालिक है ना वो अमेरिका चला गया है, लेकिन वो बंगले के अंदर है ना एक नींबू का झाड़ है, वो नींबू के झाड़ से नींबू लेने के लिए गए। अरे क्या बोल रहा है तू? नींद में है क्या तू? नहीं नहीं चाचा जी सच में, मतलब सच में वो लोग किसी बंद घर में नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने गए। हाँ मैंने बोला ना कि उनको नींबू वाला ही सोडा पीना था। एक नींबू के लिए इतना कुछ, ये कैसा बचपना है उनका? बचपना कसला डोमल्याचा अंजलि भाभी, ये शुद्ध पागलपन है। छोड़ो वाले उन लोग। अब्दुल चल हमें उस बंगले पर लेके चल। एक बेटा चल जल्दी। हाँ चलिए चल। क्या हुआ बेटा साहब, मिला कि नहीं कोई आइडिया यहाँ से बाहर निकलने का? दिमाग ही बंद है, सोच ही रहा हूँ। क्या बिड़ू? ये तो जानता है इसको? नहीं तो? तो फिर ये तुझे कैसे जानता है? और माला का माइत, ओ भाई ओ, कौन है आप? आप मुझे कैसे जानते हैं? अपुन एक ही बिरादरी करो बिड़ू लोग। तो वैसे बिड़ू लोग, ऐसा बिड़ू। चलो अब साथ ही रहना है, तो दोस्ती यारी कर लेते हैं। ये कालू है और मैं बालू। ये हीरे के चक्कर में अंदर आया और मैं सोने के चक्कर में। आप लोग किस चक्कर में अंदर हैं? नींबू के चक्कर में। नींबू के चक्कर में? तुमने नींबू चुराया? ओ भाई ओ, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। तो क्या इधर डांस करने को आयो? सातवें आसमान पर पहुंच गया होगा।
अरे अब्दुल भाई और कितना दूर है? बस आ गया, नजदीकी। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो कि चोरी का माल कहाँ है। हम आपको कैसे यकीन दिलाए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, एक बार फिर कहते हैं, एक बार आप इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन करके बुला लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग प्रार्थना करो कि इंस्पेक्टर चालू पांडे जी यहाँ ना आए। क्यों? क्योंकि तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी छोड़ते नहीं है, डबल डंडे मारते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी, भगवान किसी को एसिडिटी ना दे। अच्छा सुनो गावड़े, गुड़गांव में जो चोरी की वारदातें हो रही थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, इंस्पेक्टर पवार उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। हाँ करो करो छानबीन करो। एसिडिटी, चाय चाय लीजिए सर। गौड़े तुम्हें अच्छी तरह पता है नाइट ड्यूटी में हम चाय नहीं पीते, चाय पीने से क्या होता है एसिडिटी होती है, और मेरा मानना है पुलिस ऑफिसर को नाइट ड्यूटी में चाय नहीं पीना चाहिए। वो क्या होता है कि एसिडिटी होती है ना तो दिमाग परेशान होता है, जब दिमाग परेशान होगा तो पुलिस ऑफिसर का निर्णय भी गलत होगा, बेगुनाह गुनेगार साबित हो जाएंगे और गुनेगार बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सर मुझे पता है नाइट ड्यूटी में आप विदाउट फेल नींबू पानी ही पीते, तो फिर चाय क्यों ऑफर कर रहे हो गावड़े? सर मैंने कुछ नींबू आपके लिए थाने में रखे थे लेकिन अब वो खत्म हो गए। खत्म हो गए कैसे? सर मुझे भी अभी पता चला है, शाम की ड्यूटी में शंभू और कुछ हवलदार आपकी देखा देखी नींबू पानी बना कर पी गए और सारे नींबू खत्म हो गए। अरे यार उनको इतना नींबू पानी पीने का शौक है तो खुद का शौक रखे ना, मेरा क्यों ले रहे? अब जाओ कहीं से जाकर नींबू का इंतजाम करो। कावड़े सर इतनी रात को नींबू कहाँ से लाऊं? अभी सही है, एसिडिटी गुनेगार के साथ रात कट सकती है लेकिन एसिडिटी के साथ रात नहीं कट सकती। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी चाय पी लीजिए, कल मैं नींबू का इंतजाम करके रखूंगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं नाइट ड्यूटी के वक्त चाय नहीं पीता। सर, मुझे चाय नहीं पीनी है भाई। सर मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर गोरेगांव में जो बंद मकान में चोरियां करते हैं उस गैंग के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या पकड़े गए लोग? हाँ सर पकड़े गए और सब के सब हॉल रात में बंद है। गुड, उन्होंने गुनाह कबूल किया? नहीं सर उन्होंने कुछ कबूल तो नहीं किया लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? सर वो गैंग मेंबर बोल रहे थे कि चालू पांडे हमें जानते हैं और हमें देखते ही बता देंगे कि हम बेकसूर हैं। क्या? ऐसे चोर उचक्कों का कौन सा गैंग है जो हमारे नाम का बिल फाड़ रहा है? तब जाकर ठंडक हुई। सर ये क्या किया? ये इमेजिनरी नींबू था, इसको हमने इसे गार कर पिया तो थोड़ी ठंडक हो गई। चलो पांडे जी आ गए। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, अरे चालू पांडे अंदर। विजय हो, विजय हो, विजय हो। थैंक यू बाबा। तुमने इन गोकुलधाम वालों को अंदर लॉकअप में क्यों रखा है? देखा देखा, मैंने बोला था ना कि चालू जी पांडे जी हमको जानते हैं। चलो चलो निकालो हमको बाहर, निकालो। एक मिनट सर, ये वही गैंग है। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इंस्पेक्टर बोलेंगे। बोलो आप। ये लोग एक बंद मकान में चोरी करने के इरादे से घुसे थे, एक जागरूक नागरिक ने हमें फोन करके बता दिया और हम टाइम पर पहुंच गए, और जब ये दीवार कूदकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तब हमने इन्हें पकड़ लिया। व्हाट? अरे पांडे जी हम वहां चोरी करने नहीं गए थे। पांडे जी एक बार हमारी बात तो सुनिए प्लीज। क्या हुआ एग्जैक्टली? हम लोग क्या नींबू, नींबू सोचिए आप, आज तक हमने कितने नींबू निचोड़े होंगे लेकिन एक नींबू हमें इस तरह से निचोड़ सकता है ये आज पता चला। नींबू की वजह से हम लोग हवालात में बंद हैं, डंडे भी पड़ सकते हैं। और दूसरी ओर चंपक चाचा और हमारी पत्नियां कितनी परेशान है, किस बुरी कदर फंस चुके हैं हम इस नींबू की वजह से। नींबू किस तरह दांत खट्टे कर सकता है ये आज पता चला। अब आगे कितने हंगामे होंगे
से जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।